नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी बिलासपुर। बंद नहीं होंगे स्कूल, पहले समीक्षा करेगा शिक्षा विभाग, फिर होगा फैसला। सर्वे में हुआ खुलासा, उपचुनाव में महंगाई डालेगी बहुत बुरा असर, बड़े नेताओं की साख दांव पर। जुबल कोट खाई में बागियों पर फिर कार्रवाई, 11 लोग 6 साल के लिए बाहर। सड़क हादसों के घायलों की मदद पर सरकार देगी 5,000, मिलेगा गुड स्मार्टियन का दर्जा। स्कूलों में नॉन टीचिंग वर्क के सैकड़ों पद खाली, टीचर के कंधे पर सारा बोझ। 31 दिसंबर तक स्कूलों में करवाना होगा सेफ्टी ऑडिट, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। 31 तक न बारिश न बर्फबारी, खुश्क रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। जब से प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि होने लगी है, तभी से स्कूलों के खुलने या बंद होने पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, लेकिन अब इन सभी अटकलबाजियों पर विराम लग गया है। पता चला है कि स्कूलों पर कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं लिया जाएगा। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पहले इसके बारे में पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके पश्चात ही कोई फैसला लिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद नहीं होंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार अभी नियमित कक्षाएं चलती रहेंगी। 8 को स्कूलों में कोरोना के मामलों की समीक्षा की जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि कितने मामले सामने आए हैं। स्कूलों को कहा गया है कि जो छात्र पॉजिटिव हुए हैं उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री भी देखेंगे, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि कैसे ये पॉजिटिव आए। 8 को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होगी। 4 नवंबर को दिवाली है, दिवाली के लिए सरकारी स्कूलों में 4 दिनों की छुट्टी होगी। विभाग को उम्मीद है कि 4 दिन बंद रहने से स्कूलों में कोरोना की चेन टूटेगी। इसमें 1 से 6 अक्टूबर तक दिवाली की ब्रेक रहेगी, जबकि लाहौल स्पीति और कुल्लू के स्कूलों में 3 दिन की ब्रेक रहेगी। इसी तरह कॉलेज भी बंद रहेंगे। प्रदेश में चल रहे उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्कॉलर के एक सर्वे ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उपचुनावों पर जनता की राय जानने के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण में पहली राय मांगी थी कि क्या रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर इन चुनावों पर होगा। तो आइए देखते हैं क्या रही आम जनता की राय। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा, जिसमें जुबल कोटखाई, अर्की एवं फतेहपुर के लिए उपचुनावों पर जनता की राय जानने के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पहली राय मांगी थी कि क्या रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर इन चुनावों पर होगा, जिसमें 61.5% का दावा था कि बहुत अधिक असर होगा। 26.1% ने माना कि प्रभाव होगा, जबकि 7.8% का मानना है कि कोई असर नहीं होगा। यह सर्वेक्षण एचपीयू के शोधार्थी डॉक्टर बलदेव सिंह नेगी, फैकल्टी एचपीयू से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय संजौली द्वारा किया गया। कर्मचारियों के पुरानी पेंशन प्रणाली के लिए मांग, जिसमें करीब प्रदेश के 1.30 कर्मचारी हैं, और नए वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए मांग, जो 2016 से लंबित है, जैसे मुद्दों पर क्या मतदाता के व्यवहार पर असर होगा, तो इस पर 65.7% उत्तरदाताओं की राय थी कि निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जबकि 24.3% की राय के अनुसार इन मुद्दों पर कम असर होगा। 76.7% लोगों ने माना प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों की साख दांव पर। इस उपचुनाव में कुछ प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों की साख दांव पर है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कुछ इसी तर्ज पर भाजपा अपने उन कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है जो पाला बदलने में देर नहीं लगाते हैं। आज भी जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा का समर्थन करने वालों पर भाजपा की कार्रवाई की गई। उपचुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने पर 11 पद अधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा का समर्थन करने वालों पर भाजपा की कार्रवाई जारी है। भाजपा जिला महासू के अध्यक्ष अजय श्याम ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने पर 11 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
इस संबंध में मंगलवार सुबह पार्टी की तरफ से निष्कासन के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले भाजपा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई का चाबुक चला था। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा और भाजयुमो के जुब्बल कोटखाई मंडल अध्यक्षों समेत 15 और पदाधिकारियों को 6-6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इन पर यह कार्रवाई भाजपा प्रत्याशी नीलम सरैक के खिलाफ प्रचार करने पर की गई थी। कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी के 13 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन उपचुनावों में जिन पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है उनको वापस नहीं लिया जाएगा। सड़क हादसों में घायलों की सहायता करने वालों को सरकार 5,000 रुपए तक का इनाम देगी। घायलों की मदद करने वालों को ना तो अब पुलिस तंग करेगी बल्कि उन्हें गुड स्मार्टियन का दर्जा दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इस संदर्भ में परिवहन विभाग हिमाचल को भी केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क हादसों में घायलों की सहायता करने वालों को सरकार 5,000 रुपए तक का इनाम देगी। घायलों की मदद करने वालों को ना तो अब पुलिस तंग करेगी बल्कि उन्हें गुड स्मार्टियन का दर्जा दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इस संदर्भ में परिवहन विभाग हिमाचल को भी केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से मामला प्रदेश सरकार की अनुमति को भेजा गया है। प्रदेश सरकार से केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करने के बारे में आदर्श आचार संहिता के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ये प्रावधान लागू होगी। सड़क मंत्रालय ने गुड स्मार्टियंस नामक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन लोगों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित को दुर्घटना के महत्वपूर्ण घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने का प्रयास करते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूलों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या में लगातार हो रही कमी पर चिंता व्यक्त की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अश्विनी कुमार ने कहा कि स्कूलों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को तुरंत भरा जाए। पिछले कई वर्षों से देश भर में विभिन्न राज्यों के स्कूलों में लिपिकों, वरिष्ठ सहायकों और अधीक्षकों के पदों को नहीं भरा जा रहा, जिससे कि स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्यों को अध्यापकों को करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए और क्या चिंता व्यक्त की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूलों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या में लगातार हो रही कमी पर चिंता व्यक्त की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अश्विनी कुमार ने कहा कि स्कूलों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को तुरंत भरा जाए। पिछले कई वर्षों से देश भर में विभिन्न राज्यों के स्कूलों में लिपिकों, वरिष्ठ सहायकों और अधीक्षकों के पदों को नहीं भरा जा रहा है, जिससे कि स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्यों को अध्यापकों को करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन स्कूलों में पे बिल, विभिन्न तरह के बिल, सरकार के साथ विभिन्न तरह का होने वाला पत्राचार जैसे कार्य अध्यापकों को करने पड़ रहे हैं। वर्तमान में स्कूलों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया है ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इन कार्यक्रमों को लागू करने में अध्यापक अपना अहम योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 दिसंबर तक सेफ्टी ऑडिट करवाना होगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले भी सितंबर महीने में सेफ्टी ऑडिट करवाने का निर्णय लिया था। अब दोबारा इसके बारे में स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। सेफ्टी ऑडिट दो तरह से होगा, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 31 दिसंबर तक सेफ्टी ऑडिट करवाना होगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी सितंबर महीने में सेफ्टी ऑडिट करवाने का निर्णय लिया गया था। अब दोबारा इसके बारे में स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। सेफ्टी ऑडिट दो तरह से होगा, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये देखा जाएगा कि स्कूल का जो भवन है वह कितना मजबूत है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, आग, बाढ़ इत्यादि के लिए स्कूल भवन की नींव कितनी मजबूत है।
स्कूल भवन की छत में लकड़ी का जो प्रयोग किया गया है वह पुरानी तो नहीं हो चुकी है। इसमें सुधार के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं? भवन की दीवार को मजबूती देने के लिए क्या करना चाहिए? नॉन स्ट्रक्चरल में ये देखा जाएगा कि स्कूल भवन में फेंसिंग है या नहीं। जो जंगले लगे हैं वे पुराने व गिरने की स्थिति में तो नहीं है। स्कूल में कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जो खतरे को न्योता दे रहा हो। इन सभी चीजों को देखा जाएगा। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 31 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का कोई आसार नहीं है। ऐसे में दिन के समय धूप खिलने से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्री विंटर सीजन समाप्त होता जाएगा और सर्दियां नजदीक आती जाएंगी, प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा। ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास भागों में सुबह से धूप खिलने के साथ बादल भी छाए हुए हैं। सोमवार को पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 27.9, सुंदरनगर में 27.2, ऊना बिलासपुर में 27, मंडी में 26.1, कांगड़ा में 25.5, हमीरपुर में 24.8, सोलन में 24, भूंतर में 23.7, नाहन में 23.3, धर्मशाला में 22.4, शिमला में 18.4, कल्पा में 13.6, डलहौजी में 11.5 और केलांग में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। किन्नौर जिला में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में तीसरी बार हिली धरती, लाहौल स्पीति और मनाली में भूकंप के झटके। रामपुर में पुलिस ने पकड़ी 63 पेट की अवैध शराब, नोगली खनेवली में दबोचे आरोपी। चंबा के सलूनी में चेकिंग के दौरान 812 ग्राम चरस संग पकड़ा तस्कर, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।